दोस्तों क्या आप जानते हो भगवान श्री राम ने विष्णुलोक जाने से पहले हनुमान जी के साथ क्यों किया था छल। भगवान श्री राम के मृत्युवरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान ही थे। संसार में आने वाला मनुष्य अपने जीवन से पहले ही मृत्यु का दिन यमलोक में निश्चित करके आता है। यह कहना सही होगा कि जो आत्मा संसारी सुख भोगने के लिए इस संसार में आई है वह एक दिन वापस जरूर जाएगी, यानी कि मनुष्य को एक दिन मरना ही होता है। परंतु इंसान और ईश्वर के बीच बड़ा अंतर है, इसीलिए हम भगवान के लिए मरना शब्द प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर उनका इस दुनिया से चले जाना या लोप हो जाना इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले भगवानों के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय निर्धारित होता है। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग कर अपने लोक वापस लौटना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए थे। श्री राम के मृत्युवरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान ही थे, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यम की भी हिम्मत नहीं थी कि वे भगवान श्री राम के समीप आ सके। प्राण लेने के तो बहुत दूर की बात है। इस बात का हल भी स्वयं प्रभु श्री राम ने निकाला। अंततः वो समय आ ही गया जब प्रभु श्री राम को देवलोक वापस जाना था, संसार के सारे सुख दुख भोग कर। भगवान श्री राम जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मोक्ष पाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मेरे पास आने दो, मेरे लिए वैकुंठ मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है। मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से डर लगता था। अयोध्या में यम के प्रवेश करने से पहले हनुमान जी को वहां से जाना जरूरी था, इसीलिए भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी को अपने महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी से उसे खोजकर लाने के लिए कहा। अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी ढूंढने के लिए हनुमान जी ने अपना स्वयं का आकार बहुत ही छोटा कर लिया, बिल्कुल भंवरे के जैसा, और केवल उस अंगूठे को ढूंढने के लिए उस छेद में प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम जी द्वारा बनाया गया वह छेद केवल एक छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान जी नागलोक के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य ले गए, जहां उन्होंने अंगूठियों का एक पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ देखा। वासुकी ने कहा, यहां आपके राम की अंगूठी जरूर मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने के जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी हनुमान जी ने उठाई वह श्री राम की ही अंगूठी निकली। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब के सब एक जैसी थी। इसका क्या मतलब है, हनुमान जी सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से होकर निकलती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के चार युग या चार भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। वासुकी की बताई बात के अनुसार उन्हें यह समझ आ गया कि उनका नागलोक में आना केवल भगवान श्री राम द्वारा उनके कृत्य में उनको भटकाना था, ताकि कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर सके और भगवान श्री राम को उनके जीवन काल के समाप्त होने की सूचना दे सके। अब जब हनुमान जी अयोध्या वापस लौटेंगे तो भगवान श्री राम वहां नहीं होंगे, और भगवान श्री राम अगर वहां नहीं होंगे तो दुनिया भी कुछ नहीं है।